यहाँ पे देख सकते हो पावरफुल एंड ट्रैक्शन ऑफ है, मतलब समझ लो व्हीलियाँ लगने वाली है। लड़का लड़की दोनों को मिल सकता है भाई, किसी को भी मिल सकता है। अच्छा, इसमें जीतेंगे उनको, कोई पार्शियलिटी नहीं ना होगा, ऐसा नहीं कि फिर क्यूट गर्ल को मिलने लग जाए। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है दिन संडे, एंड संडे को भाई अपन लेके निकले अपनी गॉडजिला को ऑन संडे राइड। तो अभी एक हमने छोटा सा मीटअप भी रखा है, क्योंकि भाई ने बोला था भाई मीटअप रख दो, तो मीटअप भी हमने रख दिया। एंड कुछ फ्रेंड अपने साथ जा रहे हैं, एंड बाइक को निकालते के साथ सबसे पहले भाई से दर्शन करवाना पड़ा पेट्रोल पम्प का। तब देख सकते हो पेट्रोल यहाँ पर हमने फुल करा लिया, सो दैट की राइड में कोई भी दिक्कत ना है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं भाई, मैं तो घड़ी भी नहीं पहना, यहाँ का टाइम भी ख़राब हो रखा है, बट आई गेस अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं सुबह के। तो जल्दी से पहुँचते आगे भाई, बाकी सारे फ्रेंड लोग भी वेट कर रहे हैं। रॉयल इनफील्ड के इवेंट में भी जाना है, तो पहले ये वाला कवर अप कर लेते हैं अपन, एंड उसके बाद भाई नेक्स्ट ब्लॉग में होपफुली कि आपको रॉयल इनफील्ड का भी वीडियो देखने को मिले। तो स्टे ट्यून फॉर इट। एंड अभी सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स ज्ञान भवन, वहाँ से हम लोग सीधा लेंगे मरीन ड्राइव को। ऑल दो आगे इसकी ये गॉडजिला का फर्स्ट संडे राइड होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी संडे राइड नहीं किया इस पर। और भाई यहाँ पे देख सकते हो पावरफुल एंड ट्रैक्शन ऑफ है, मतलब समझ लो व्हीलियाँ लगने वाली है। तो अभी अपने राइट हैंड साइड में गांधी मैदान एंड सामने है विस्कोमान भवन। वैसे तो हम लोग इधर बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये रूट है ही नहीं बिल्कुल अपना, एंड इस जगह पे भाई बहुत ही ज़्यादा रश होता है नॉर्मल डेज में, बट आज संडे तो भाई देख सकते हो ट्रैफिक भी कम है, ऑफिस सारे क्लोज है, और पुलिस वाले भी एक्टिव है भाई सुबह सुबह। तो मैंने तो बोला था भाई इधर ही वेट करना फ्रेंड को, सारे तो इधर ही है। बिल्कुल, और भी साथ में चले। तो भाई आज का जो मीटअप है ना, ये सब कुछ प्रणय ने प्लान किया, मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था। बस भाई ने बोला कि बहुत लोगों से मैसेज कर रहे हैं कि एक शॉर्ट मीटअप कर दिया जाए, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर ही लेते हैं शॉर्ट मीटअप। एंड वैसे भी भाई मैंने पटना में तो कभी मीटअप रखा ही नहीं है, तो अब भी चलते हैं। तो आपको अभी हमारे राइट हैंड साइड में दिख रहा हो गोल घर, जो कि भाई आप सबको पता है इट्स अ वेरी फेमस थिंग इन पटना, मतलब यहाँ पे भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हिस्टोरिकल प्लेसेस, उसमें से ये गोल घर भी आता है। भी अपन आ चुके हैं मरीन ड्राइव पे, एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे मरीन ड्राइव की तरफ। Few moments later. तो बहुत
सारे लोग आ गए थे भाई, ये देखो, मतलब हमने शॉर्ट नोटिस पे ये मीटअप रखा था। भाई बहुत सारे लोग इधर है यार, वैसे आई गेस मेरा ना बाइक का जो चेन है वो थोड़ा लूज हो गया क्योंकि गियर ना थोड़ा सा टकरा है, तो आज बाइक को लेके कावासाकी भी जाना पड़ेगा। वैसे तो आज संडे है तो फिर मंडे को ही जाएंगे अपन। भाई ने बोला वेली मारने को, अनबिलीवेबल भाई, इस पे 220 लगा दिया मैंने यार, एक बार ही सोच के देखो, क्योंकि पूरा खाली स्ट्रेच था एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल आराम से हमने खींचा। मैंने एक इंस्टाग्राम पे बस एक स्टोरी लगाया था, वो भी प्रणय ने सब कुछ प्रिपरेशन किया था, बस मैंने रीशेयर कर दिया था क्योंकि मेरा कोई भी प्लान नहीं था मीटअप का, बट भाई ने बोला कि बहुत सारे लोग बोल रहे मीटअप के लिए तो क्यों ना एक शॉर्ट मीटअप कर ही दिया जाए। एंड ये सुबह का जो वाइब्स है यार बहुत ही डिफरेंट है, अल्टीमेट। पता है ये बिल्कुल ना एक पेंटिंग के जैसा दिख रहा है, लाइक वहाँ पे देखो ब्रिज है, ये रिवर, बीच पे बहुत सारे नाव वगैरह भी है, तो काफ़ी प्यारा और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। साथ ही साथ जब इस पे सनरेज आ रहे हैं ना तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ये व्यू बिल्कुल अल्टीमेट है। तो भाई मीटअप वगैरह तो हो गया है एंड थैंक्स भाई को यार ये सब करने के लिए, प्लान करने के लिए। एंड भाई का कुछ गिव अवे बता दो गाइस, अभी आप एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक अभी दे दूंगा भैया को, भैया लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अभी हम एक गिव अवे हो रहा है मेरे चैनल, उसमें मिल क्या रहा है, उस पे ब्लूटूथ मिल रहा है, बोट का ब्लूटूथ मिल रहा है, ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, हेडफोन, तो सब बात करेगा हेडफोन लगा के, सब हेडफोन लगा के बात करेगा, हेडफोन लगा के बात, ये सब बताओ क्या गिव अवे कर रहा है, बिगाड़ रहा है ये सब तो भाई लड़का लोग को, बात नहीं है, लड़का लड़की दोनों को मिल सकता है भाई, किसी को भी मिल सकता, अच्छा इसमें जीतेंगे उनको, कोई पार्शियलिटी नहीं ना होगा, ऐसा नहीं कि फिर क्यूट गर्ल को मिलने लग जाए, नहीं ये कम्प्लीटली एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है, उधर से ही सब रैंडमली सिलेक्ट, तो रैंडमली सिलेक्ट होगा, अपने तरफ से कुछ भी नहीं है, अपने तरफ से। तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और इतना बेचारा मेहनत कर रहा है तो उसके लिए इतना तो बनता है। एंड सब अभी निकलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स होम, और उसके बाद भाई अभी जाना है रॉयल इनफील्ड के इवेंट में भी, ठीक है भाई, तो चलो लेट्स गो। वैसे अपन इस तरफ यहाँ पे इसलिए रुके थे ना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेड़ का शेड था, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा धूप है आज। वैसे डोंट वरी, मैं कोई बीली वगैरह कैसे नहीं मारू भाई बताओ थोड़ी बहुत तो लगी जाती है भाई, बिली तब नहीं मारूंगा जब मैं ऐसे कर दूंगा वापस से रोड मोड पे, ये रहा रेन एंड ये रहा वापस से रोड, नाउ इट्स बेटर, क्योंकि ना मेरे अंदर अगर वो आग आएगा भी तो मैं बिली नहीं मारने वाला। अपने लेफ्ट हैंड में है पाटलिपुत्रा जंक्शन, और इसके बाद हम लोग आगे से यू टर्न लेके प्रॉपर फिर जाएंगे टुवर्ड्स होम, क्योंकि देखो यार मैं बहुत लोगों को हमेशा बोलता हूँ कभी भी ऐसा रॉन्ग साइड में मत जाया करो, थोड़ा दूर चले जाओ, थोड़ा सा मतलब आगे से कट ले लो, यूटर्न ले लो, क्योंकि रॉन्ग साइड में ना एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड प्लीज़ गाइस बी सिंसियर, और इस टाइम पे ना भाई हमेशा याद रखना कि अगर आप रॉन्ग साइड में जाके थोड़ा सा पेट्रोल बचा लोगे लेकिन
अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पेट्रोल से ज़्यादा कीमती आपकी लाइफ है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे वीडियो में, बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ।